गोइंग ऑन गाइज आरजी हियर, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज आरजी हियर, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाइंड अप हैं। एंड डीनो जेम्स के गाने का प्रीमियर आ चुका है एंड इट इज़ गोइंग टू बी एयर्ड वेरी सून। एंड आ गया है वैसे तो, लेट्स प्ले, सीधा प्ले कर लेते हैं, मैंने पॉज कर दिया था, सॉरी, सीधा देखेंगे। एंड गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज हमेशा आप लोगों के लिए सबसे पहले रिएक्शन लेके आता हूँ। एंड कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी ग्रो करें, हम नए टैलेंट के लिए कुछ ना कुछ कर पाएँ। लिटरली यही एक उम्मीद के साथ हमने ये चैनल शुरू किया है एंड ग्रो भी करेंगे इसी तरीके से। आप अपनी वीडियोस भी मुझे 2 से 3 मिनट की बना के भेज सकते हो, मैं उस पर भी रिएक्ट करता हूँ। तो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। 1 लाख पूरे होने वाले हैं, करवा दो यार। सीधा गाना देखेंगे। गर्लफ्रेंड तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है डीनो का एंड आई टोटली रिलेट टू हिज स्टोरी। मेन चैनल के ऊपर मैंने डीनो की स्टोरी में डिजर्विंग इंडियंस में भी कवर करी है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं। 4, 3, 2, 1 खतरनाक एक्सपेक्टेड है भाई। और बहुत देर बाद बिनाफ्शा को देखा यार, बहुत देर बाद। कभी वो बहुत हॉट लगती, कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड। हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम, पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूँ मैं प्रूफ। अच्छा लग रहा हूँ ना, चेक करता रहता जब ही उसके साथ, कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे, उड़ा तो नहीं रहा मजाक, बस सहमा सहमा रहता हूँ और रहता हूँ घबराए, चाहता हूँ हर पल मुझसे बोले यू आर माय परफेक्ट गाय। यार कितना मतलब डीप रूटेड होके सच्चाई लिखता है ये बंदा, कि बहुत लोगों की सोच और स्टोरी होती है यार। लिटरली दिस मैन इज लिटरली द नर्व ऑफ अ ह्यूमन, सीरियसली। और ऐसा हेयर स्टाइल रख ले तो लंबे भी हो रहे हैं बाल धीरे धीरे। क्या बोलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है यार ये हेयर स्टाइल। कुछ गड़बड़े हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढू उसके कैरेक्टर पे दाग, हमेशा रखना चाहूं पास और करता रहता हूं शिनाक, पकड़ू मैं रंगे हाथ ढूंढता रहता हूं मैं चांस, कैसे मेरे बिन समझ नहीं आता हंस लेती है वो, मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूं नो, मिस करता हूं उसको रोज, बस करता नहीं हूं मैं शो, मैसेज का वेट करता हूं ताकि मैं कर पाऊं इग्नोर, हम साथे फिर भी लगता है तुझे करता हूँ मैं चेस, कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस, काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊँ मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊँ मैं सजा के इन अ केस, तुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूँ मैं सहमा सजा सुस क्यों, खुद के लगाए इस राग से मुझे तो बचा ले, मरना हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, खुद से ही मुसोरी में चैन सुकून मैं करता हूँ तेरे हवाले, शायद भूल नहीं पा रही एक्स को और भुला नहीं पा रही पास, शायद अब भी उसके टच में है छुपा रही है कोई रास, उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच, कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फटके हाथ में आ जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ, शी मस्ट बी राइडिंग विद हर बॉस, ऐसे ख्वाब देते ख्वाब, सुंगु चुपके सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप, हमेशा कहती मेरा भाई है वो हराम ज्यादा से, उसके मैसेज जिस गलती से मैंने कर लिए थे रीड, हे सीट कैन यू स्पीक व्हेन डीनो गोस टू स्लीप, मुझ पे कर रही थी वो चीट वो हराम ज्यादी बिच, मेरे हर शब्द है बस टेंशन जब पढ़ कर जाए तू, कंफर्म में लौटे हर दम कहेंगे तेरे लायक तू, कंसर्न है जनरल हम दम कभी तो बेटर राय तू, कम दम दम गाते हैं ब्रह्म दस पाने पी के टाइ तू, मंथन लिखे सारे ग्रंथ उसमें है टाइ तू, मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी बजाय तू, लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे सारे साइको, मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूँ मैं
भाई ये भैंचो अलग ही लेवल है सीरियसली राइटिंग का। मतलब लिटरली मतलब आई लव डीनो फॉर दिस। जितना डीप रूटेड और ट्रुथफुल राइटर मैं अगर आज की डेट में कहूँ ना, बहुत रेयर लोग हैं। डीनो इज़ वन ऑफ देम। हनी पाजी तो चलो ही ऑलवेज राइट फ्रॉम द रूट्स एंड एमी वे राइट फ्रॉम द रूट्स, बट दिस गाय मतलब ये नब्ज पकड़ के लिखता है लोगों की। जब आप सुनते हो ना, ये कोई ना कोई आपकी नस पकड़ के काट मार देगा भैंचो। इतना दुखता है ना बाद में पता चलता है। लिटरली जिसने जिसको बिलीव नहीं हो रहा ना, निडर सुन के देखो, यादें सुन के देखो, और पहला गाना गर्लफ्रेंड सुन के देखो। ये पार्ट वन आया, अभी बॉयफ्रेंड का टू देखेंगे कब आता है। मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रोस, दूर रह मुझसे सती ना तू। अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ, इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। What? मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're saying? You shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू? Oh my God! और सामने आई क्या ना बेटा, एंड में ट्रूथ अच्छा करता होगा स्मूथ, और तू भेज रही होगी न्यूज़। I can't believe it! सिड मेरा भाई है। अच्छा भाई के साथ में सोकर रही है, सही है बेटा सही है। दिस इज टॉक्सिक मैन, दिस इज टॉक्सिक। ये मेंटालिटी कतई चूतिया होती है भाई। तेरी सोच कितनी घटिया है तू, कर रहा है छे। You know what? तेरी गलती नहीं है, it's really not your fault. तुम सारे साले सेम हो, damn you, fuck you all. मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है दी? You don't need a fucking partner, you need a fucking doll. तेरे भैंचोद यार, ये रैप बिनाफ्शा ले करा है। She is doing good यार। बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच, बस यही तुम्हारा मेक है। This is your genetic code. Now don't you fucking touch me, leave me, मुझे छोड़। तेरी शक और इनसिक्योरिटी का नहीं है कोई तोड़। Girls को product समझते हैं almost सारे men, पर तू तो एकदम perfect था ना, 10 out of 10. मतलब जो भी तूने किया था वो करा था pretend. मैं पागल थी जो सोच रही थी कि my D is different. हाँ मैं सिर्फ रात भर चुपके चुपके बातें करती थी, तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक, पर तू शक में इतना अंधा था obviously you can't see कि घर पे मैंने बोल दिया है will you marry me. भाई साहब, ये तो बहन चोद वेब सीरीज से चकते चूतिया काम हो गया मैं। ये कुछ और ही है भाई, ये फाड़ेगा कुछ, ये लिटरली फाड़ेगा। फिलहाल आप लोग बताना आपको कैसा लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, डिफरेंट लगा। एंड क्रेडिट्स एक बार ज़रूर देखना चाहूँगा, एक बार देख लेते हैं। बस मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है इसमें, इसका रैप करा किसने है? नहीं, बेनाफ्शा ने नहीं करा है। रिटन बाय डीनो, ओके। प्राइमरी आर्टिस्ट डीनो जेम्स ब्लूश, म्यूजिक एंड सेज ऑन द बीट, ओके। ओनली इन द वीडियो इट इज़ बिनाफ्शा सोनावाला, विच इज़ नाइस मैन, विच इज़ नाइस। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग हर, बट ओवरऑल मुझे गाना बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा था और फाड़ था, और एक बार फिर से भाई फाड़ दी, नेक्स्ट लेवल ले गया डीनो। चलो विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा देना। बहुत सारी वीडियोस लाइन अप है, 1 लाख सब्सक्राइबर से थोड़ा ही दूर है यार, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। आपकी सारी रिक्वेस्ट लेके आता हूँ सबसे पहले। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी।